नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले से, जहां पे एक बार फिर कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक बार फिर बड़वानी जिले में कुल 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1948 हो चुकी है। वहीं जिले में कुल अब तक 21 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज कुल 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सबसे अधिक संक्रमित बड़वानी शहर में मिले हैं। आज बड़वानी शहर में कुल 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बूदी, पानसेमल, बालजीरी, खेतिया, चाचरिया, दवाना, पिपलिया बुजुर्ग, राजपुर और दिवाड़िया में कोरोना से संक्रमित एक एक मरीज मिला है। इसी तरह जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1948 हो चुकी है, जिसमें से 1733 लोग अपना उपचार कराकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 194 लोगों का उपचार जारी है और अभी तक जिले में कुल 21 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सबसे अधिक संक्रमित खरगोन शहर में पाए गए हैं। आपको बता दें कि खरगोन शहर में कुल 7 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। वहीं बड़वा और करई में कोरोना से पीड़ित 2-2 मरीज मिले हैं। इसी के साथ महेश्वर में भी कोरोना से पीड़ित एक मरीज मिला है। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3566 हो चुकी है, जिसमें से 3291 लोग अपना उपचार कराकर अपने घर लौट चुके हैं। 223 लोगों का उपचार जारी है और अभी तक कुल 52 लोगों की खरगोन जिले में कोरोना से मौत हो चुकी है। वही खबर है बड़वानी जिले के खेतिया से, जहां खेतिया थाना परिसर पर SDOP पदम सिंह बघेल की उपस्थिति में शहर की शांति समिति के सदस्यों व गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर शासन के दिशा निर्देश, माननीय कलेक्टर बड़वानी के आदेश, वही केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के संबंध में समस्त नागरिकों को बताया गया। उपस्थित नागरिकों ने भी सभी त्योहार आपसी मेलजोल व सद्भावना पूर्व मनाने की बात कही है। थाना परिसर पर आयोजित शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी SS निगवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ईश्वर महाले, MPBAE दीपेंद्र माली, वही स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अमन मोदी सहित नगर के पत्रकार व वरिष्ठ जन उपस्थित थे। इस दौरान SDOP श्री बघेल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना इस परिस्थिति में बहुत आवश्यक है। वही मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री ईश्वर महाले ने दशहरा को मनाए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट की। न्यूज लीडर्स के लिए खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। रावण दहन जो प्रतिवर्ष अनुसार जो परंपरागत अपन प्रतिवर्ष कृषि उपज मंडी समिति खेतिया में रावण का दहन किया जाता है, जो अभी जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही रावण का दहन का कार्यक्रम रखा गया है। तो जो शासन के जो भी समय समय पर गाइड हैं उसका पालन किया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार करके लोगों में जागरूकता ला के और कोविड का पालन करके वह रावण दहन के कार्यक्रम किया जाएगा। न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।